नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड स्टीरियो के इक्वलाइजर सेटिंग के बारे में। मींस जो साउंड सेटिंग इस स्टीरियो के अंदर आती है उसको हम किस तरीके से सेट करें कि आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाए। साथ ही साथ मैंने अपने स्टीरियो में कौन सी सेटिंग्स ऑन कर रखी हैं और किस मोड पर मैं म्यूजिक सुनता हूँ और क्या क्या अपग्रेड किया है मैंने अपनी कार में, वो भी आज के वीडियो में मैं दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इक्वलाइजर सेटिंग्स जो कि मैंने अपने स्टीरियो में कर रखी हैं। तो गाइज, मेरे पास जो स्टीरियो है वो है मैक्सलिंग कंपनी का, और इससे पहले भी मैंने एक कंपनी का स्टीरियो इंस्टॉल किया था, तो आप उसका भी रिस्पॉन्स देख सकते हैं मेरी 2020 क्विड RXL प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने स्टीरियो अपग्रेड किया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऑडियो आउटपुट उसका कम लगा, देन मैंने अपना ये मैक्सलिंग ब्रांड का स्टीरियो इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सलिंग की ब्रांडिंग, और स्टीरियो आपको 9 इंच में प्रॉपर फ्रेम के साथ मिल जाएगा। इसमें इंपोर्टेड और इंडियन दोनों फ्रेम आते हैं, तो इंडियन फ्रेम भी काफ़ी अच्छा ये लोग बनाते हैं। मैक्सलिंग का बहुत बड़ा काम है इंडिया के अंदर जो स्टीरियो फ्रेम है उनका, तो नो डाउट आप जहाँ से भी फ्रेम खरीद रहे हैं किसी भी कार का, वो ज़्यादातर आपको मैक्सलिंग का ही मिलेगा। अब सबसे पहले गाइज मैं दिखाता हूँ कि अभी प्रेजेंट में क्या सेटिंग्स मैंने कर रखी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल के अंदर मैंने ये प्रॉपर जो सेटिंग की है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके अंदर बैंड हैं, और यहाँ पे आप जॉन भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप स्पीकर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारी क्विड में सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी फिटेड 2 स्पीकर लगे हुए हैं, एक ओवल स्पीकर ड्राइवर सीट के नीचे पड़ा हुआ है, एंड एक इस सीट के अंदर जो है आपका अंडर सीट पड़ा हुआ है, जिसका वीडियो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं प्रॉपर, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो अभी हम इस पर एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करने वाले हैं, और बिल्कुल भी इन सेटिंग्स को जो अभी हो रखी हैं इसके अंदर मैं नहीं छेड़ूंगा, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टाइप से म्यूजिक पसंद करता हूँ। तो प्ले करते हैं, और विदाउट माइक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप एक बार ईयरफोन प्लीज लगा लीजिए जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से साउंड क्वालिटी है। तो अभी मैंने प्ले किया, और यहाँ से मैंने BT पे गया हूँ मैं, और BT म्यूजिक, क्योंकि मैंने BT कनेक्ट कर रखा है, तो ये आपका BT और ये आपका BT म्यूजिक। तो अभी आप यहाँ से प्ले करेंगे, आपको बता दूं जो इसमें साउंड सेटिंग दी गई है उसको अगर आप यूज करते हैं, लाइक कुछ में क्या होता है कि फेक सेटिंग्स भी होती हैं, लेकिन मुझे इस स्टीरियो के अंदर कोई भी फेक सेटिंग नहीं लगी, कोई भी फेक इक्वलाइजर नहीं है, जो भी दिया गया है वो जेन्युइन है। जैसे कि अभी देखना आप, साउंड चल रहा है, मैं चेंज करता हूँ जॉज, पॉप एंड क्लासिकल, इनको चेंज करके देखता हूँ ऑन म्यूजिक, म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए। अभी बात करते हैं नॉर्मल। देखिए नॉर्मल में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा स्वीट साउंड सुनते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है म्यूजिक की, वो नॉर्मल पे जाके अपने हिसाब से इनको अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अभी सेटिंग कर रखी थी, मैंने एक टेक्नीशियन के थ्रू इसको सही, मतलब जो इक्वलाइजर थे वो सेट करवाए थे, फिर मुझे लगा कि यार नॉर्मल पे जाके हम अपने हिसाब से जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो सेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू लिसनर रिक्वायरमेंट आई थिंक एनफ। अगर ये स्टीरियो आप प्लान कर रहे हैं किसी कार में लगाने के लिए, तो आई थिंक इतनी सेटिंग्स बहुत हैं। एंड कुछ स्टीरियो के अंदर आपको मिलेंगे 4 इक्वलाइजर, तो अब
चॉइस है अपनी अपनी कि लोगों को उनमें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लोग बेस ट्यूब लगा लेते हैं या कंपोनेंट स्पीकर लगा लेते हैं। तो आई थिंक क्विड कार के लिए ये स्टूडियो मुझे अब तक बेस्ट लगा, बिकॉज साउंड की क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो आउटपुट इसका नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, एंड अगर हम बात करते हैं इसमें वीडियो क्वालिटी की तो वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वैसे मैं सच बोलूँ तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं देखता ड्राइविंग के टाइम, बट अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टच रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अभी इक्वलाइजर सेटिंग में मैं आपसे यही बोलूँगा कि नॉर्मल पे जाके, मतलब ये जैज पॉप ये ठीक है, ये एक सेटिंग है जो आप कस्टम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको नॉर्मल पे जाके यहां से सेट करने को बोलूंगा, जो कि एक बारीक साउंड की जो क्लियरिटी होती है, जो एक स्वीट साउंड होता है स्टीरियो का या स्पीकर जो भी आपने लगा रखे हैं, तो यहां से ये स्टीरियो आपको बहुत जबरदस्त क्वालिटी देगा नो डाउट। अभी मैं आपको कॉपीराइट सॉन्ग नहीं सुना सकता, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर जो है एक लाइव डेमो देके दिखा सकता था। कभी मैं लाइव एक करूंगा जिसमें मैं अपने स्टीरियो का जो लाइव डेमो है वो दूंगा, और क्या रिस्पॉन्स है लाइव में आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत जल्द मैं करूंगा। अगर इस पे 1000 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे और कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके लिए एक लाइव वीडियो करूंगा जिसमें आपको सारी चीजें लाइव भी दिखा दूंगा। बाकी अभी देखो मैं आपको नॉर्मल पे सेटिंग करके दिखाता हूँ एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के साथ। तो गाइज अभी मैं नॉर्मल पे देखिए वॉल्यूम फुल करता हूँ फोन की, आप देखिए वॉल्यूम फुल हो गई है और यहाँ से मैंने वॉल्यूम की, अब मैं सेटिंग करता हूँ आप देखिए एक बार। गाइज फाइनली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इससे स्टीरियो से रिलेटेड या आफ्टर मार्केट जो भी एंड्रॉइड स्टीरियो हैं उनसे रिलेटेड, अगर आप अच्छी साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो 12 वैंड इक्वलाइजर में स्टीरियो खरीदिए, और नॉर्मली अगर आप बेस ट्यूब वगैरह लगा के साउंड क्वालिटी का मजा लेना चाहते हैं और सस्ते में लेना चाहते हैं तो आप 4 वैंड इक्वलाइजर खरीदिए। नो डाउट गाइज जो साउंड की क्वालिटी रहती है वो डिपेंड होती है लिसनर पे, तो आप अपने हिसाब से इक्वलाइजर में सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल पे जाके आप यहां से सेट करेंगे तो मुझे लगता है बेस्ट साउंड क्वालिटी निकल के आ जाएगी गाइज। बाकी अगर आप मेरे हिसाब से इक्वलाइजर सेट करना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूंगा नॉर्मल पे जाके आप यहां से इन जो इक्वलाइजर्स हैं, जो वैंड्स हैं, उनको अगर आप अप डाउन करके सेट करोगे बहुत बारीकी से, आपको अच्छी क्वालिटी जो है निकल के मिल जाएगी। बाकी यहां पे तो आप पूरा कस्टम सेटिंग है तो आप अपने हिसाब से, मीन्स जैसे आप पॉप सुनते हो, क्लासिकल रॉक सुनते हो, तो यहां पे तो है ही ये ऑप्शन, लेकिन यहां से मुझे थोड़ा सेटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, एंड क्विड के अंदर क्या क्या लगाना चाहिए उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन विजिट करना है तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूबर ने अपनी कार में क्या क्या लगा रखा है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और अगर हम बात करते हैं हमारे अंडर सीट सबवूफर की, ओबेल स्पीकर की, तो इनके फुल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है मैक्सलिंक प्रोडक्ट रिव्यू वाली वो देखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको इस कंपनी के प्रॉपर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग और रिव्यू देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करते हैं इन प्रोडक्ट को खरीदने की, तो ज़्यादातर ऑफलाइन मार्केट है इनका, मींस आपको नियर कार एक्सेसरीज शॉप पे जाके ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन अभी तक तो इन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है कि ये मैक्सलिंक के स्टीरियो, स्पीकर, बूफर या और जो डिवाइस सेल करते हैं वो आपको ऑनलाइन मिल सके, तो ऑफलाइन विजिट कीजिए। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप जानना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टीरियो के बारे में तो आप हमारी स्मार्ट नॉलेज वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मीन्स हमारा जो चैनल है वो अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट है, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टीरियो से रिलेटेड, स्पीकर से रिलेटेड और जो भी कार एंटरटेनमेंट सिस्टम है उनसे रिलेटेड। बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट के रिव्यू, अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग मैंने यहाँ पे की है, मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर, अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कुछ इशूज भी होते हैं तो मैं उनको भी रिसॉल्व करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर, तो आपके पास भी है अगर कुछ ऐसा इशू जो सॉल्व नहीं हो रहा, कंपनी सॉल्व करके नहीं दे रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं
इंस्टाग्राम पे भी कार म्यूजिक हब 93 अगर आप डालेंगे तो आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर कॉल करने की बात करें तो कार म्यूजिक हब के फेसबुक पेज पे मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, बट बहुत ज्यादा इरिटेटेड कॉल आते हैं, लोग ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करें ये भी पूछते हैं, हालांकि मैंने उस पर भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन फालतू में कॉल ना करें प्लीज। अगर आपको एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है कि हाँ कॉल करने से ही काम होगा तो कॉल करें, बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर लें, 110% आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहां मिलेगा सब।